क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, बैंगल मतलब कड़ा या चूड़ी बोल सकते हैं आप। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टू द सर्कल। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, जब आप बैंगल, मेरे पास बैंगल नहीं है तो मैंने एक सर्कल बना लिया, जब बैंगल आप बनाओगे है ना, सर्कल आप ऐसे बैंगल रख के चूड़ी रख के बनाओगे तो उसमें आपको क्या नहीं पता होगा, आपको सर्कल का सेंटर नहीं पता होगा। अगर आपको बाहर से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने तो आपको सेंटर का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होता है, देखो मैंने तो बनाया है, आपको सच बताऊँ तो इससे बनाया है, फिलहाल हमारा ये सेंटर है, फिलहाल ये मान के चलो कि ये सेंटर मुझे मालूम नहीं है, इस वाले सेंटर को मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, ये मालूम नहीं है, ये आपको ला के दिखाना है। देखो कैसे आएगा, आपको क्या करना है, जो आपने बैंगल से बनाया होगा आपको तीन पॉइंट्स ले लेने हैं थोड़े दूर दूर, ये तीन पॉइंट्स मैंने दूर दूर ले लिए, ठीक है। अब तीन पॉइंट्स आपने जब दूर दूर लिए, इन पॉइंट्स को मैच करना है। देखो बेटा मैं बना रहा हूँ पेन से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पेन से बनाना है, एग्जाम में आपको डार्क दिखे इस वजह से मैं पेन से बना रहा हूँ, यही एकमात्र कारण है, वरना एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से ही बनाना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मैच कर दिया, ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गई है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोला, इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोला और इस वाले पॉइंट को मैंने सी बोला। नेक्स्ट जो काम होता है वो क्या काम होता है, ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ए बी और बी सी, इसका आपको क्या निकालना होता है, बाइसेक्टर, ठीक है। आधा से ज़्यादा ले लिया, यहाँ से एक आर्क खींचो, वो आर्क आपका इधर से भी जाएगा और इस वाले पॉइंट को आप बी पे रखो, ये बी पॉइंट है, बिना हिलाए डुलाए यहाँ से किया और यहाँ से, ठीक है। अब इसको ना मैच करते हुए हमें लाइन खींचनी है, देखो इस वाले को और इस वाले को हमें मैच करते हुए लाइन खींच देनी है, आगे तक, ठीक है। नेक्स्ट काम आपको वो भी यहाँ पे भी वही काम करना है, आधे से ज़्यादा ले लेना है, सी वाले पॉइंट पर रखना है, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, ठीक, उसको बिना हिलाए डुलाए आपको कहाँ रखना है, बी वाले पॉइंट पर, यहाँ से और यहाँ से। अब इसको भी मैच करते हुए हमें क्या खींच देनी है लाइन, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, देखो जब मैच किया सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर तो पहले से पता था, प्रूफ हो गया ना, तो सेंटर ऐसे हम निकालते हैं। तो अब हमें एक जो कट पॉइंट मिला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंटर, ये हमारा सेंटर है, सेंटर मिल गया, अब सारा काम आसान हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर एक आउटसाइड कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, अब बाकी काम तो आपको पता ही है, अब क्या करना होगा, इस पी से इस पॉइंट को क्या करना होगा, मैच करना होगा, इस सेंटर को मैच कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, बाकी जो काम पहले कर रहे थे, आधे से ज़्यादा लेना है एंगल बाइसेक्टर, ले लिया आधा से ज़्यादा, यहाँ से एक आर्क खींचा, यहाँ से भी एक आर्क खींचा, इसको बिना हिलाए डुलाए हमने पी पॉइंट पे भी रखना है, यहाँ से एक आर्क खींचा और यहाँ से जो कट पॉइंट मिले हैं इसको मैच कर देना है, ये ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया, इस वाले पॉइंट का नाम एम दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, नाम दे दिया मैंने एम। अब इस एम को सेंटर मानते हुए और ओ एम को रेडियस मानते हुए, ठीक है, एक हमें क्या ड्रॉ करनी है, सर्कल, ये प्रोसीजर तो पता ही होगा, जो सर्कल ड्रॉ करोगे तो ओ से और पी से होता हुआ जाएगा, ड्रॉ कर दिया हमने। सो देखो आपको दो कट पॉइंट मिल रहे होंगे, है ना, ये कट पॉइंट मिल रहा है, इसको मैं M1 बोल देता हूँ और इसको मैं M2 बोल देता हूँ और फिर इसको मैच कर देता हूँ, ठीक है। P से आपको M1 को मैच करना है, और P से आपको M2 को भी मैच करना है, तो ये आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो ड्रॉ करने के लिए बोला गया था वो आपने इजीली कर दिया है, इतना आसान सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया।